मिशन 25 को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रीगंगानगर में जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार के साथ पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज देश में पीएम मोदी अराजकता का माहौल बना रहे हैं, लेकिन जनता सच्चाई जान चुकी है और अब उनकी जुमलेबाजी का जवाब जनता ही देगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जहां भाजपाई मुद्दों से भटक रहे हैं, वही कांग्रेस और राहुल गांधी सिर्फ मुद्दों की ही राजनीति करते हैं। प्रदेश में कांग्रेस मिशन 25 को लेकर चल रही है और इसी पर उनका पूरा फोकस है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले पीएम मोदी ने झूठ के सहारे सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब जनता ही उन्हें सबक सिखाएगी। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी पीएम मोदी और अमित शाह को आड़े हाथों लिया। पायलट ने कहा कि आज देश में मोदी और अमित शाह का तानाशाही रवैया है। उन्होंने आडवाणी और जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को पार्टी से दूर कर दिया। भाजपा धर्म के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन दक्षिण के साथ देश के कई हिस्सों में भाजपा खाता भी नहीं खोल पाएगी। इस मौके पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहे। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने केएलएम रिजोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही रिजोर्ट के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जी आपको बता दें, श्रीगंगानगर में सीएम अशोक गहलोत गर्जे और साथ ही जमकर निशाना साधा पीएम मोदी पर और अमित शाह को बताया कि तानाशाही रवैया है पूरे देश भर में उनका, और साथ ही सचिन पायलट और रघु शर्मा भी इस जनसभा में मौजूद रहे। सचिन पायलट ने भी यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश भर में पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का तानाशाही रवैया है, लेकिन अब जनता जान चुकी है और अब जनता ही फैसला करेगी। और साथ ही ये भी कहा कि मिशन 25 पर कांग्रेस का पूरा फोकस है। सुभाष महरिया के समर्थन में जनसभा की, जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। जी आपको बता दें, सीकर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया और केंद्र और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा देश में घृणा और भय का माहौल है, देश के खराब हालत से लोग घबराए हुए हैं और कांग्रेस देश में वापस शांति लाना चाहती है। राहुल गांधी भी चाहते हैं कि देश में शांति और अमन चैन रहे और कांग्रेस की अपनी विचारधारा है और इस विचारधारा को हम आगे बढ़ाएंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोकसभा चुनाव लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, इस लिहाज से भी ये चुनाव अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इंदिरा जी ने देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन कभी देश के लिए राजनीति नहीं की। लेकिन मोदी सर्जिकल स्ट्राइक को खुद की उपलब्धि बताते हैं, जबकि ये काम तो सेना ने किया और हमें अपने जवानों पर फक्र है। मोदी के अच्छे दिन न आए और न ही काला धन वापस आया। और अमित शाह 50 साल राज करने की बात कहते हैं, लेकिन जनता वोट देगी तो ही वे देश में शासन करेंगे। जब जनता चुनेगी ही नहीं तो पीएम कैसे बनेंगे? और आज मोदी को 5 साल का लेखा जोखा पेश करना होगा। वो बताएंगे कि देश के लिए आगे क्या करने वाले हैं और अब तक तो कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ कहना था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सीकर में जनसभा को संबोधित करते हुए। उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर जमकर निशानेबाजी की और यहाँ पर सुभाष महरिया के समर्थन में वोट की अपील की और जनता को कहा कि सही सरकार चुने। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।